गाइस वेलकम टू सभी रॉक्स। और आज की वीडियो में जो हमारी बात होगी वो हम सीखेंगे कि ड्रीम स्टैम्प पे आपको पिक्चर कैसे अपलोड करनी है और अकाउंट कैसे बनाना है। पिछली वीडियो में हमने ओवरव्यू लिया था और कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिए थे कि किस तरह से आपको आपको अपलोड करनी होती है पिक्चर ड्रीम स्टैम्प पे, और स्टॉक फोटोग्राफी में आपको किस तरह से अपलोड करनी है, कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से एक्सपोजर होना चाहिए, सब मैंने आपको पिछली वीडियो में गाइड किया था। इस वीडियो में जो हमारी बात होगी वो ये होगी कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है और आपको जो है पिक्चर कैसे अपलोड करनी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले तो हम ड्रीम स्टैम्प पर अकाउंट बना लेते हैं। तो सर चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। आइए तो दोस्तों, अब हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब जो हमें सबसे पहले काम करना है वो ड्रीम स्टैम्प पर हमने अकाउंट बनाना है और हमने एक पिक्चर अपलोड करके देखनी है कि किस तरह से अपलोड होती है। तो सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हमने ड्रीम स्टैम्प ओपन करनी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे जाके हमने लिखना है ड्रीम स्टैम्प कंट्रीब्यूटर, ड्रीम स्टैम्प कंट्रीब्यूटर। यहाँ पे जाके हमने ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ड्रीम स्टैम्प ओपन हो जाएगी और यहाँ पे लिखा है साइन अप फॉर फ्री। साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे। जिनके पास अकाउंट नहीं है जाहिर सी बात है वो पहले साइन अप करेंगे। जैसे साइन अप बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे फेसबुक पे होता है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपने पासवर्ड देना है। उसके बाद इसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे आप तो वो आपसे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं और आपका जो है सब कुछ आप अपना ओरिजिनल देना। आपका फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, जो आपका आईडी कार्ड पे हो वही सब कुछ ओरिजिनल आएगा। आपका एड्रेस भी ओरिजिनल होगा ताकि जब ये पेमेंट भेजेगी तो आपके घर पे चेक आएगा। तो उसके लिए आपको सब चीज़ें ओरिजिनल देनी है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल ये टॉप की साइट है और सिक्योर बिल्कुल साइट है। तो यहाँ पे आपको कोई भी काम फेक नहीं करना, जैसे नाम वगैरह आपने जो आईडी कार्ड पे वही लिखना है, कोई फेक काम नहीं करना, ठीक है। तो आपने ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह और एड्रेस वगैरह देना है अपना, ठीक है। मैं इस पर इसलिए साइन अप नहीं कर रहा दोबारा क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक हो चुका है। अगर मैं दोबारा इस पर बनाता हूँ तो वो नहीं बनेगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी इनके पास है। तो अब मैं साइन इन कर लेता हूँ अपना। साइन इन जब आप करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो खुल जाएगी। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अपलोड अ फाइल पर जब क्लिक करोगे तो अपलोड अ फाइल पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर पिक्चर अपलोड करके देखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने अब पिक्चर अपलोड करनी है। आपको टाइटल टैग्स वगैरह किस तरह से देना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे आप देख सकते हो 23 मैंने पिक्चर्स अपलोड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट किया है तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे कम किए हैं अभी पिक्चर्स अपलोड। तो यहाँ पे एक पिक्चर और अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जब मैं जाऊँगा तो नीचे ये एक पिक्चर है मेरे पास, फूड की पिक्चर है, तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोग्रेस हो रहा है। ये DSLR की पिक है, DSLR से ली गई है और इसकी जो MB साइज़ है वो 12 MB तक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कम से कम 4 MB तक की इमेज होनी चाहिए आपकी, अगर मोबाइल से भी आप क्लिक कर रहे हो तो 4 MB तक की इमेज होनी चाहिए। तो ये 12 MB की और ये DSLR से ली गई है, तो इसलिए अब ये अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद कंटिन्यू टू अनफिनिश्ड, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ले आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारी ये इमेज जो है वो शो हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज पे इसने ऑलरेडी यहाँ पे इसने जो है एक वो लगा दिया है अपना वाटरमार्क ड्रीम स्टैम्प का। और यहाँ पे आपने कमर्शियल पे क्लिक करना है, एडिटोरियल पे नहीं करना। कमर्शियल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की जो है टाइटल वगैरह आ जाएगा। अब ये कमर्शियल एडिटोरियल क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। खैर, अब जो है यहाँ पे ये टाइटल पूछ रहा है तो हम उसका टाइटल लिखेंगे, क्योंकि ये फिश की एक इमेज है तो हम इसका टाइटल कुछ लिख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने हाई रेजोल्यूशन सी फूड इमेज का टाइटल दिया है और दिस इज़ माई न्यू अपलोड इमेज रिलेटेड टू सी फूड इन हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टैग्स देने हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन टैग्स हैं जो आपको इमेज के साथ ही वो जो है ऑटोमेटिकली मे बी आपका सेलेक्ट हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो तो आपने इसमें टैग्स देने हैं। टैग्स देने के लिए
सी फूड है, इमेज, ये सब हाई फेज फूड, आपकी जैसी पिक्चर है उससे रिलेटेड आपने टैग्स यहाँ पे इंटर करना है। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने टैग्स इंटर कर दिए हैं, ठीक है। अब इस तरह से जितने ज़्यादा टैग्स होंगे उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स ऐड कर देना, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे आप को ये कौन सी जो है वो इसका जो पिक्चर कौन किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ये फूड की पिक्चर है तो ये तीन टैग्स आप डाल सकते हो। तो हम एक सी एंड ओशन डाल देते हैं क्योंकि ये रिलेटेड टू फिश है, और तो ये तीन टाइटल चूज़ किए, तो ज़रूरी नहीं है तीनों ही डालो, अगर आपके इमेज पे एक टाइटल भी सूटेबल है तो एक भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने इन तीनों पे ही टिक रहन देना है, उसके अलावा आपने और किसी पे टिक नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब ये देखें वो जो एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव का मैंने फ़र्क बताया था, अगर आप इस पर टिक कर दोगे तो आप ये पिक्चर सिर्फ इसी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो और किसी और वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर सकते। तो इस पर मार्क नहीं करना क्योंकि इस पर अगर मार्क कर दोगे तो और शटर स्टॉक हो गई या दूसरी और जो टॉप की वेबसाइट है उस पर अपलोड नहीं कर सकते। तो पैसे तो उसके थोड़े ज़्यादा मिलेंगे लेकिन फिर दूसरी वेबसाइट पर अपलोड नहीं होंगी, तो इस पर मार्क नहीं करना, ठीक है। तो अब हम और मॉडल रिलीज़ और जो प्रॉपर्टी रिलीज़ फॉर्म्स हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी पूरी शटर स्टॉक की सीरीज़ में मेरी वीडियो बनी हुई है मॉडल रिलीज़ फॉर्म्स के बारे में, वो आप लोग जाके देख सकते हो कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, दोनों चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। तो अब हम जस्ट इसको सबमिट कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि कोई एरर नहीं आया और एक जो है वो सबमिट हो गई है। अब ये मेरे ख्याल 24 आवर्स लेगी और 24 आवर्स के बाद आपको ये ईमेल कर देगी कि आपकी अप्रूव हो गई है। 23 मेरी अप्रूव हो चुकी हैं पिक्चर्स, ठीक है, उम्मीद है ये भी हो जाएगी। और हाई क्वालिटी पिक्चर्स जो होगी वो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाती है, उसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं होता, और आपको ये 24 आवर्स के अंदर अंदर ये अब बता देगी। और एक साथ आप 10-12 पिक्चर्स भी अप्रूवल पे लगा सकते हो। अब जैसे मैंने एक लगाई है तो अब मैं नेक्स्ट पिक्चर भी अप्रूवल पे लगा सकता हूँ, और इस तरह से आप जब आपकी जब 100 पिक्चर्स अप्रूव होंगी उसके बाद आपको फ़र्क महसूस होगा कि आपके पास अर्निंग शुरू हो गई है, बैलेंस आने लग गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये था एक ट्यूटोरियल जिसमें मैंने बताया कि अपलोड कैसे करनी है, अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। ये पार्ट टू हमारा यहाँ पे अब एंड होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे अकाउंट कैसे बनाना है, ड्रीम स्टैम्प पे अकाउंट बनाना सीखा हमने, पिक्चर अपलोड करना भी मैंने आपको दिखाई कैसे अपलोड करनी है, और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों, सब मेक श्योर ये करें कि सबसे पहले यूनिक पिक्चर्स जो होती हैं, अगर मैं इसकी एक छोटी सी टिप दूँ आपको, तो वो पिक्चर्स जो आपको लगता है कि हाँ ये यूनिक है, ये ज़्यादा बाय होने के चांसेस हैं। जैसे कि कॉमन पिक्चर्स, जैसे कि देखें, अगर मैं आपको एक गाइड करूँ तो ये कि अगर आप फ्लावर की पिक्चर ले तो रोज़ फ्लावर, ठीक है, गुलाब का फूल, वो कॉमन है बहुत, ठीक है, हर बहुत पिक्चर्स उसकी मिल जाएंगी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप उसकी पिक्चर अपलोड करते हो तो चांसेस कम होते हैं कि जो है वो बाय होगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ही कॉम्पिटिशन है उसमें। तो ऐसी पिक्चर अपलोड करें जिसका कॉम्पिटिशन कम आपको लगे, जैसे कि मैंने मेरे पास पिछला एक मेल आया था काफ़ी पहले, कि डस्टबिन की पिक्चर बहुत वायरल थी, ठीक है, वो देख के मैं हैरान भी हुआ कि एक डस्टबिन की पिक्चर को दुनिया में इतनी ज़रूरत थी, केवल डस्टबिन की पिक्चर थी और वो बहुत वायरल थी, ठीक है दोस्तों। तो वो पिक्चर्स जो वायरल हो सकती हैं वो आप सबसे पहले कंपटीशन देखें, कंपटीशन के जैसे कि अगर आप एक रोज़ फ्लावर या आम से फूलों की ले रहे हैं तो वो पिक्चर चांसेस नहीं है ज़्यादा बाय होने के। पिक्चर किसके ज़्यादा चांसेस है, रेयर बर्ड है कोई जो बहुत कम नज़र आती है वो आप अगर ले सकते हैं, लैंडस्केप जो आपके अगर आप किसी एरिया में रहते हैं वहाँ लैंडस्केप व्यू बहुत अच्छा है, नेचर बहुत अच्छा है, आप हर जगह नेचर अच्छा नहीं होता, लैंडस्केप हर जगह नज़र नहीं आता, तो लैंडस्केप की पिक्चर्स, नेचर अच्छा है, सनसेट जहाँ पे अच्छा नज़र आता है वो पिक्चर्स, इस तरह की पिक्चर्स वायरल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फूड की पिक्चर्स बहुत अच्छी वायरल होती हैं अगर फूड अच्छा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो अब और मैं गाइड करूँगा इसके हवाले से, आपको स्लो लेके चलेंगे सीरीज़ को, लेकिन जो अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी बात होगी वो ड्रीम्स टाइम यहाँ पे एंड होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी बात होगी
होगी दूसरी अल्टरनेट साइड पे शटर स्टॉक की, जैसे अभी ड्रीम्स टाइम के बारे में मैंने प्रोवाइड कर दिया, अब और भी अपसाइड आयरिश स्टॉक है, एलएमई है या फोटोलिया है, उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा कि वहाँ पे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो अगर पसंद आती है शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।